The London Top Show is sponsored by Khata Book in association with CoinSwitch Kuber. झंझट से मुक्ति खाता बुक से दोस्ती खाता बुक बिजनेस हुआ इजी। बात हत्या के आरोपी पहलवान सुशील कुमार की करते हैं। पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के केस में सुशील कुमार दिल्ली की मंडोली जेल में है। पुलिस केस की जांच कर रही है। इस मामले में आज 10वीं गिरफ्तारी हुई। सुशील कुमार के एक और साथी अनिरुद्ध को गिरफ्तार किया गया। इस बीच कुछ नए खुलासे भी हुए। हत्या वाली रात पहलवान सागर धनखड़ के साथ मौजूद सोनू महाल सामने आए। सोनू महाल को गैंगस्टर काला जठेड़ी का दाहिना हाथ माना जाता है। सागर धनखड़ के साथ ही सोनू महाल को भी अगवा करके छत्रसाल स्टेडियम में लाया गया था। यहां दोनों को पीटा गया और इस पिटाई से ही कहा जा रहा है कि पहलवान सागर की मौत हुई। अब सोनू महाल ने इस झगड़े को एक नया एंगल दिया। सोनू के मुताबिक छत्रसाल स्टेडियम में वीरेंद्र नाम के कोच थे, उनको मारपीट कर सुशील कुमार ने पहले ही भगा दिया। इसके बाद कोच वीरेंद्र ने नांगलोई में अपना अखाड़ा शुरू किया। इस अखाड़े में सागर धनखड़ जाने लगा और अपने साथ छत्रसाल स्टेडियम के 50-60 और भी पहलवानों को नांगलोई ले जाने लगा। पहलवान सुशील कुमार इस बात से बौखलाया था, सागर धनखड़ को सबक सिखाना चाहता था, इसीलिए पीटने का प्लान बनाया गया। सुशील कुमार को ये नहीं पता था कि सागर और सोनू किस फ्लैट में रहते हैं। 4 और 5 मई की रात सुशील कुमार ने बवानिया गैंग के बदमाशों को लेकर पहले आउटर दिल्ली से 2 लड़कों को उठाया, फिर उनको लेकर सागर के फ्लैट तक पहुँच गए और वहाँ से सागर और सोनू महाल को उठाकर छत्रसाल स्टेडियम लाया गया। पूरा घटनाक्रम चश्मदीद सोनू महाल से सुनिए। वीरेंद्र के अखाड़े में चले गए थे सागर की वजह, सागर के कहने से। तो एक वीरेंद्र कोच था, उनके साथ इन्होंने मारपीट कर दी थी सुशील अंकल। अच्छा ठीक। फिर यहाँ से उसने अखाड़ा करवा दिया था। सागर ने बोल के तू अपना अलग खड़ा कर लो कोच साहब, अब इतने पुराने हो, इतने साल हो गया अपना, आपकी बहुत बढ़िया छुट्टी है। तो सागर के कहने से 30-40 बंदे वहाँ चले गए। तो इस वजह से सुशील को पुण्य, तो आपको सुन सागर को एक साथ उठाया था। हाँ एक साथ उस रात। भाई साहब बिटकॉइन में ट्रेड करने के लिए कम से कम कितने पैसे चाहिए? सिर्फ 100 रुपए में स्टार्ट कर सकते हो एंड टेक्स ओनली 5 मिनट्स। CoinSwitch Kuber डाउनलोड करो और बिटकॉइन में ट्रेड करो। फास्ट, क्रेडिबल, फ्लेक्सिबल, ट्रेड कर बेफिकर। सोनू ने एक और नई जानकारी दी। हत्या वाली रात सुशील कुमार ने सागर के साथ पहलवान भगत सिंह को भी बंधक बना रखा था। भगत सिंह की पत्नी ने 100 नंबर पर फोन कर बताया कि उनके पति किडनैप हो गए। ये जानकारी सुशील तक पहुंची। फिर सुशील ने भगत पर दबाव बनाया कि वीडियो कॉल कर पत्नी को बताया कि वो ठीक है, लेकिन पत्नी ने फिर पुलिस को फोन कर दिया और इस तरह से 2 बार बात पुलिस तक पहुंची। तो इस तरह से हर नया खुलासा पहलवान सुशील कुमार के अपराध में शामिल होने की थ्योरी को और मजबूत करता है। आप सोचिए जरा, 2 बार का ओलंपिक मेडल विजेता जो कंधे पर तिरंगा लेकर घूम रहा था तो हमारा सीना फक्र से चौड़ा हो रहा था। 3 बार कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड, वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में गोल्ड और ऐसे न जाने कितने मौकों पर तमगे जीत कर देश का मान बढ़ाने वाला पहलवान। लेकिन आज उनकी पहचान एक हत्या के आरोपी की रह गई है। एक अपराध ने सुशील कुमार का सारा सम्मान छीन लिया और तमाम पुराने मामले भी सामने ला दिए। इसीलिए कहते हैं कि जब देश का सम्मान आपके कंधों पर हो और जब देश ने आपको इतना प्यार दिया हो, तब सार्वजनिक जीवन में आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है।